नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल फिनॉर्ज पे। वेदांता ये एक ऐसा शेयर है, अगर देखेंगे तो शेयर में जो है बहुत दिन से ज़बरदस्त गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स अभी स्टॉक में क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, ये वेदांता को लेके बहुत सारे अपडेट्स हैं जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनॉर्ज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात है। एक दिन के अंदर वेदांता के शेयर में लगभग 0.3% के आसपास गिरावट बनता हुआ दिखा है। वही बात करते दोस्तों, यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर 2% के आसपास गिरावट दिया और एक महीने के अंदर 17.1% के आसपास ही शेयर जो है गिरावट दिया है। वेदांता का यहाँ पे देखते हैं लगभग बोल सकते हैं इसका जो ड्यूरेबिलिटी है, आप देख सकते जहाँ पे 35 है आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन की बात करते जहाँ पे 64 है आउट ऑफ 100, मोमेंटम जो 32.10 है आउट ऑफ 100। तो अभी वेदांता का मतलब यहाँ पे समझते हैं जो इसका टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वेदांता, तो टेक्निकली जो है ये शेयर दोस्तों बोल सकते कि मतलब अभी जो अभी देखने को मिल रहा है एक बेयरिश लेवल बना रहा है। वेदांता के शेयर में जब एक बेयरिश लेवल बनता हुआ देखने को मिल रहा है, आरएसआई इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर है ओवरसोल्ड लेवल पे है, मतलब इस स्टॉक में जो है बहुत ज़्यादा बिग वाली हो चुका है हुआ है वेदांता के शेयर में। वही बात करते हैं मैकडी इंडिकेटर कह रहा है कि ये जो शेयर है एक बेयरिश लेवल बना रहा है, तो हो सकता है कि शेयर में यहाँ से भी एक गिरावट बनता हुआ देखने को मिले। अभी यहाँ पे एक दिन के अंदर वेदांता का हम लोग देखते हैं जो लो प्राइस दिया है वो है 232.70 पैसे का और जो हाई प्राइस दिया है वो है 236 रुपीस का। एक हफ्ते के अंदर 232.10 पैसे का लो प्राइस दिया है, हाई प्राइस दिया 238.90 पैसे का, और एक महीने के अंदर 232.10 पैसे का लो प्राइस दिया और हाई प्राइस दिया 285.30 पैसे का। तो ये शेयर अभी वेदांता का मतलब यहाँ पे देखते हैं जो BSE और NSE मिला के एक दिन का जो एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 5.9 मिलियन का। डिलीवरी परसेंटेज 54.3% का है, डिलीवरी वॉल्यूम जो है 3.2 मिलियन का है। वही बात करते दोस्तों, एक हफ्ते के अंदर 7.9 मिलियन का BSNS मिला का एवरेज देखने को मिल रहा है, डिलीवरी परसेंटेज 56.10% का है एंड डिलीवरी वॉल्यूम जो है 4.4 मिलियन का है। एक महीने के अंदर 23.1 मिलियन का BSNS मिला का एवरेज देखने को मिल रहा है, डिलीवरी परसेंटेज 63.10% का है, डिलीवरी वॉल्यूम जो है 14.6 मिलियन का है। तो अभी वेदांता को लेकर जो बहुत बड़ा एक अपडेट आया है वही हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसका जो एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस है, जो एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस है वेदांता का वो है 294 रुपीज़ का। 294 रुपीज़ का एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है, 294 रुपीज़ का एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे देख सकते हैं वेदांता का जो एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे वेदांता को जो है फिलहाल अभी अप्रूवल मिल चुका है मीनाक्षी एनर्जी को एक्वायर करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो वेदांता अभी यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे वेदांता ने जो है यहाँ पे 1440 करोड़ के लिए जो है यहाँ पे वेदांता को ये अप्रूवल मिला है। वेदांता गेट्स NCLT नॉट टू एक्वायर मीनाक्षी एनर्जी फॉर 1440 करोड़, वेदांता विल एक्वायर 100% पेड अप कैपिटल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं वेदांता जो है यहाँ पे 100% जो इसका स्टेक है मीनाक्षी एनर्जी का वो खरीदने वाला है 1440 करोड़ के लिए। तो अभी यहाँ पे देखते हैं दोस्तों वेदांता का मतलब जो अनिल अग्रवाल है, जो वेदांता अभी यहाँ पे जिसका ओनर है बोल सकते हैं, उनका देख सकते हैं कि ये जो है अप्रूवल मिला है NCLT से अप्रूवल फॉर बाइंग आउट द स्ट्रेस्ड एसेट ऑफ मीनाक्षी एनर्जी फॉर 1440 करोड़। वेदांता विल एक्वायर 100% पेड अप कैपिटल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ मीनाक्षी एनर्जी से द कंपनी इन स्टेटमेंट थर्सडे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट आया है जहाँ पे वेदांती प्लान्स जो है वेदांता की ओर से जो है प्लान किया जा रहा है कि मीनाक्षी एनर्जी जो है वाया इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीजर हैज बीन अप्रूव्ड बाय NCLT कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैदराबाद ब्रांच हैदराबाद बेंच एंड इन जनवरी वेदांता वॉज डिक्लेयर्ड ए सक्सेसफुल बीडर। अभी जो ये डेप रेडिंग कंपनी है उसके लिए मीनाक्षी एनर्जी के लिए। तो अभी यहाँ पे मीनाक्षी एनर्जी का अगर देखेंगे जहाँ पे 1000 मेगावाट कोल बेस्ड पावर प्लांट है मीनाक्षी एनर्जी का, और ये एक बहुत बड़ा फायदा जो है दोस्तों वेदांता को दे सकता है। द कंसिडरेशन विल मेच्योर इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, जहाँ पे वेदांता जो यहाँ पे पेमेंट है वो 5 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। जो वेदांता वन ऑफ द वर्ल्ड्स फॉर्मेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी है, और यहाँ पे वेदांता और मीनाक्षी बोल सकते हैं जैसे कि मीनाक्षी एनर्जी को ये एक्वायर करेगा तो एक बहुत बड़ा फायदा दोस्तों वेदांता को हो सकता है तक को लेकर देखने को मिल रहा है। जहाँ पे कंपनी का जो वेदांता अपने एक चीज़ देखेंगे तो कंपनी जो है यहाँ पे वेदांता जो है स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड डिविडेंड ईयर ऑफ 43.5%। तो वेदांता एक बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को देता है, अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड
देता है और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे और जो कि 159% के आसपास है। प्रोमोटर्स का यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे प्रोमोटर्स है प्लेस्ड 100% ऑफ देयर होल्डिंग्स, प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग्स है वो 100% पेश किया गया है। तो फिलहाल यहाँ पे बेदांता को लेके हम लोग डिटेल में समझेंगे क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन जो इसका है। तो आप देख सकते हैं जो सेल्स बेदांता का हुआ है उसमें बोल सकते कि जो एक जून 2023 का जो Q1 का 2024 का इसमें रिजल्ट आया है उसमें जो सेल्स है सेल्स ग्रोथ में गिरावट बता हुआ दिखा है जो कि 37,930 करोड़ से घट के जो है 33,733 करोड़ हो चुका है। एंड वही बात करते हैं दोस्तों इसका जो एक्सपेंसेस है 28,471 करोड़ से घट के जो है 27,313 करोड़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं वेदांता का जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं जो 25% से जो है घट के यहाँ पे 19% के आसपास हुआ है जो कि बोल सकते हैं कि अभी जो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है 9,459 करोड़ से घट के जो है 6,420 करोड़ के आसपास हुआ है। अदर इनकम की बात करते हैं तो अदर इनकम भी उतना जो है कुछ खास देखने को नहीं मिला है जो कि 631 करोड़ माइनस में था और यहाँ पे जो है माफ कीजिए अदर इनकम जो थोड़ा बढ़ गया है 2,326 करोड़ के आसपास हुआ है। तो अभी यहाँ पे बेदांता का शेयर होल्डिंग इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। तो शेयर होल्डिंग में दोस्तों बेदांता देख सकते हैं जहाँ पे बोल सकते कि इसका जो एंड FIS के पास 7.89% का स्टेक था। FIS ने जो स्टेक यहाँ पे घटा दिया है बेदांता में 7.48% का स्टेक कर दिया है, मतलब FIS जो है स्टेक यहाँ पे बोल सकते कि अच्छा खासा बेच दिया है। एंड DIS के पास जो है 10.20% का आसपास स्टेक था, DIS ने स्टेक घटा दिया है 9.19% का स्टेक कर दिया है। गवर्नमेंट के पास उतना स्टेक है 0.7% का एंड जो पब्लिक है पब्लिक के पास 13.63% का स्टेक था, पब्लिक ने स्टेक बढ़ा दिया है 14.29% का स्टेक कर दिया है। अदर्स के पास 0.11% का स्टेक था एंड अदर्स देख सकते हैं जहाँ पे स्टेक घटा दिया है 0.8% के आसपास कर दिया है। तो दोस्तों बेदांता का अभी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है जैसे कि ये मीनाक्षी एनर्जी का एक्वायर कर रहा है ये एक बहुत बड़ा अपडेट है जिसके चलते लगता है कि शेयर में तेज़ी बन सकता है। वही बात करते हैं जो यहाँ पे बेदांता का लेके जो अभी गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है जहाँ पे स्टॉक में जो है कुछ दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट बना है, हो सकता है कि आगे चल के थोड़ा तेज़ी बने और अभी स्टॉक में जो चल रहा है और जिस जो बोल सकते हैं कि ये सब जो बेदांता को लेके जो ये सब अपडेट देखने को मिल रहा है उसके चलते लगता है कि कोई अगर बेदांता का शेयर अभी खरीदना चाहता है तो बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस फिलहाल नहीं रखना चाहिए। आपको क्या लगता है बेदांता को लेके ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।